हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल वीडियोस। आज हम आपके लाए फिटर थ्योरी अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन भिलाई नोट्स से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी वीडियो देखने के लिए ऊपर जो आई बटन दिया गया है उसको क्लिक कीजिए। आज हम आपके लाए हैं फिटर थ्योरी से ऐसे 15 क्वेश्चन जो हर टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है पावर ट्रांसमिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मशीन को पावर प्रायः दी जाती है इसके चार ऑप्शन अलग, मोटर द्वारा, मेन शाफ्ट द्वारा, काउंटर शाफ्ट द्वारा या ये सभी। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन, शाफ्ट, पुल्ली, चेन या ये सभी। तो ये जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, शाफ्ट बनी होती है। तो चार ऑप्शन, स्टील, लोहा, तांबा या पीतल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है स्टील। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है, शाफ्ट को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो इसके चार ऑप्शन है वो है, क्लच, बेयरिंग या गियर या बेल्ट। तो आपने सही समझा, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, बेयरिंग। पांचवा क्वेश्चन है, जहां पर ग्रुप में लगी हुई कई मशीनों को पावर एक ही शाफ्ट से पावर देनी होती है तो किस शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसके चार ऑप्शन, मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट या स्प्लाइन शाफ्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेन शाफ्ट। आगे बढ़ते हैं छठवां क्वेश्चन की ओर। तो छठवां क्वेश्चन है, किस प्रकार की शाफ्ट की चाल उत्केंद्र में होती है। तो इसका चार ऑप्शन, मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट या स्प्लाइन शाफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रैंक शाफ्ट। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन है, किस पुल्ली में कोई जोड़ नहीं होता है। तो बताइए इसमें कौन सी पुल्ली इसमें जोड़ नहीं होता। तो इसके चार ऑप्शन, सॉलिड पुल्ली, स्प्लिट पुल्ली, स्टेप पुल्ली या चेन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सॉलिड पुल्ली। आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन है, किस प्रकार की पुल्ली दो पीस में बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो चार ऑप्शन है वो है, सॉलिड पुल्ली, स्प्लिट पुल्ली, स्टेप पुल्ली या चेन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्प्लिट पुल्ली। आगे बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन है, किस पुल्ली को कोण पुल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये टेक्निकल एग्जाम में आया था, ऑर्डनेस फैक्ट्री इटारसी में आया था ये क्वेश्चन। किस पुल्ली को कोण पुल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेप पुल्ली या स्टेप कोण पुल्ली। आगे बढ़ते हैं दसवां क्वेश्चन है, जब एक मेन शाफ्ट से कई मशीनों को चलाना होता है तो किस पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लूज एवं फास्ट पुल्ली। आगे बढ़ते हैं ग्यारहवां क्वेश्चन है, जॉकी पुल्ली में पावर ट्रांसमिट करते समय ड्राइवर एवं ड्रिवन पुल्लियों के सेंटर सेट सेंटर तक की दूरी बड़ी व्यास का कितना गुणा होना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है तीन गुना। आगे बढ़ते हैं बारहवां क्वेश्चन है, जॉकी पुल्ली के दोनों पुल्लियों के व्यास का अनुपात कितना होना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 6:1 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तेरहवां क्वेश्चन है, पावर को मोटर से मेन शाफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो चेन, गियर और बेल्ट, ये तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। आगे बढ़ते हैं चौदहवां क्वेश्चन है, बेल्ट के द्वारा शाफ्ट को किस दिशा में घुमाया जा सकता है। तो उल्टी और सीधी दोनों ही दिशाओं में घुमाया जा सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोनों। आगे बढ़ते हैं जी लास्ट क्वेश्चन है, बेल्ट का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो पंद्रहवां क्वेश्चन है ये कि बेल्ट का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी, सेंटर दूरी से, फ्लेक्सिबिलिटी से और स्ट्रेंथ से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, ऐसी आगे वीडियो में लाते रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।